हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉय योर फैमिली। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सही में बहुत मज़ा भी आ रहा है ब्लॉगिंग करने में। तो चलिए आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत करता हूँ मैं आप सभी के साथ। हम कहीं जाने वाले वो आप सभी को पता चल ही जाएगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। तो यस, फाइनली वी आर हर क्रिकेट कैप्टन 2 श्री धोरमनाथ मल्टीप्लेक्स नखत्राणा। अब देखते हैं टिकट का क्या सीन रहता है, चलो अंदर चलते हैं। चलो, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो सीढ़ियाँ चढ़ के ही चढ़ते हैं, क्योंकि लिफ्ट तो मुझे मिल नहीं रही। तो चलो चलते हैं बॉक्स ऑफिस। सो गाइस, मैं फाइनली आ चुका हूँ धोरमनाथ मल्टीप्लेक्स। ये हमारे गाँव से पूरे 50 से 60 किलोमीटर होता है, मतलब 60 किलोमीटर मैं ट्रैवल करके एक मूवी देखने आया। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कि जब का बोर्ड लगा हुआ है और 11:30 से 12 बजे का ये फर्स्ट शो है। तो देखते हैं कैसी रहती है मूवी। तो जो होता है मैं आपको शेयर करता रहूँगा, आप बने रहिए वीडियो में। फिलहाल तो मैं थोड़ा सुना, अभी मूवी स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम था, तो तब तक आप इन्जॉय कीजिए सिनेमा। तो देखिए, हम जाते हैं तो पहले आते हैं बॉक्स ऑफिस, और बॉक्स ऑफिस के राइट हैंड में हमारा इंटायरल एरिया और प्यारी सी कैंटीन। कैंटीन के बाद में एक बड़ा सा RRR का पोस्टर, फिर छोटा, फिर KGF का पोस्टर, फिर जर्सी का पोस्टर, फिर से KGF का पोस्टर, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा है। और इधर हमारे अमिताभ जी, प्रियंका चोपड़ा, एक और हीरोइनी और हमारे सल्लू भाई, जो कि अभी तक भी शादी नहीं की है, तो होप जल्दी हो जाए। और ये है हमारी लॉम्बी। इसमें जाते ही दो स्क्रीन हमें दिखेंगी, पहली स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन। तो अभी हम देखते हैं कि अंदर का क्या होता है, अंदर का जो सीन है मैंने थोड़ा से पहले ही देख। फाइनली गाइज, मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर चुका हूँ और मूवी का भी मैंने पूछ लिया है, टिकट भी मैंने ले ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, टिकट भी मैंने ले ली है और मूवी का जो टाइमिंग है वो 12 बजे का है। तो देखते हैं, और एक दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि धोरमनाथ मल्टीप्लेक्स जो नखत्राणा में है वो हमारे गाँव से 70 किलोमीटर दूर है, और मैं इतनी दूर से एक मूवी देखने आया हूँ, तो मूवी तो क्रेजी होने वाली है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, हमारे 60 से 70 गांव के बीच में एक ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक ही सिनेमा है, मतलब समझ रहे हो कि यहां से ये पूरा स्लॉट भरा ही रहता है। बट जैसे तैसे करके एक टिकट का मैंने जुगाड़ करवा लिया है, तो अभी तो जाते हैं मूवी देखने। अंदर का जो सीन है मैं वो दिखाऊंगा, उसके बाद जो होगा मैं आपको सब धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो लेट्स पहले चलते हैं अंदर। तो गाइस, अभी हुआ इंटरवल और मैं जस्ट बाहर आया, मेरे घुसमम खड़े हो गए। गाइस, क्या अमेजिंग फाड़ू मूवी है। मैं प्रमोशन नहीं करा मूवी का, बट लिटरली ओपी मूवी है। आप जाके जरूर सिनेमा घरों में देखें, ना हो सके तो अपने, बट जरूर मैं कहूँगा कि आप जरूर 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 मूवी देखें। तो थोड़ी भूख भी लगी थी, बट पॉपकॉर्न और कोक तो सिनेमा की बहुत महंगी हो रही है, तो अभी हम पानी और उससे काम चला लेते हैं, और मूवी के बाद में हम जाएंगे बाहर कहीं कुछ नाश्ता वास्ता करने। तो अभी मिलते हैं मूवी के एंड में। मैं अंदर की कुछ भी क्लिप आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि स्पॉइलर देना गलत बात है। एंड ऑफ द मूवी, मुझे लगा कि मैं टेरेस पे जाऊंगा और आपसे खुलकर 2-3 बातें करूंगा, बट नहीं, यहाँ पे तो ताले लगे हुए हैं, तो हम यहीं खड़े रह के जल्दी से बात कर लेते हैं। बात करते हैं मूवी की। इंटरवल के बाद का जो सीन है ना गाइस, लिटरली सलाम रॉकी भाई जो सॉन्ग बनाया ना, यस भैया आपने तो फोड़ दिया, मतलब गजब। साउथ की मूवी अब हॉलीवुड की मूवी को टक्कर देने के सबसे वर्थित मूवी, पैसा वर्थित, टाइम वर्थित, सब वर्थित। मैं तो बोलूंगा आप अपनी फैमिली के साथ आओ थिएटर में देखो, थिएटर में देखने का मजा है, अलग एक्सपीरियंस है। आप लोग, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस मूवी का। तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप
खुश होकर ही जाओगे भाई, क्या ही मूवी बनी है। डायरेक्टर का नाम नहीं मालूम, बट उसे भी सलाम, रॉकी भाई को सलाम, होल टीम को सलाम। और हाँ, संजू बाबा हमारे, उनको कैसे भूल सकते, उनकी भी खतरनाक गजब एक्टिंग है गाइस, आप जरूर से जाके देखना। फिलहाल के बाद अपने गांव भी तो वापस जाना है, 50 किलोमीटर यहाँ से आया हूँ तो मुझे जाने के लिए वाहन भी नहीं मिला। ये नखत्राणा का वत्थान चौक है जहाँ पे नाश्ते की लारियाँ एक साथ बहुत सारी लगती है। गाइस मैंने वेल खा ली, उसके बाद हम आए सलीम चाचा के पास, जो ये है, ये मैं हॉस्टल में यहाँ पे 11वीं 12वीं मतलब 12th कंप्लीट किया तब से ये यहीं पे है। तो अभी इनके पास गोला खा के हम चलते हैं कहीं और, क्योंकि अभी हमें जाने थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही गोला एंजॉय करते हैं। दोस्तों मूवी, खाना, घूमना फिरना सब कुछ हो गया है, अब मैं वेट कर रहा हूँ बस का और अब मैं जाऊँगा घर। तो मिलते हैं सीधा घर, उसके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो डाल दूँगा, वरना वीडियो को एंड करते हैं सीधा घर से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट बताओ इस ब्लॉग में, क्या अच्छा लगा क्या नहीं, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करके 3K जल्दी से करवा दो, 2K के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं।